हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन, तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाई एक्सटेंडिंग दिस लाइन। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है ये। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वी हैविंग दिस क्वेश्चन इन दैट द गिवन पेयर ऑफ लाइन आर ऑफ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। सो फॉर द फर्स्ट ऑफ ली गिवन पेयर ऑफ लाइन आर द देर आर द थ्री काइंड ऑफ द लाइन, पैरेलल, कोइंसाइड एंड इंटरसेक्टिंग। फ्रॉम द फिगर वी से दैट दिस गिवन पेयर ऑफ दिस टू लाइन आर पैरेलल, इट डिड नॉट लुक लाइक अ पैरेलल लाइन, सो वी से दैट दिस पेयर ऑफ लाइन आर नॉट अ पैरेलल, सो इट इज रिजेक्ट फ्रॉम द पैरेलल कंडीशन, वी कैंसल आउट एंड इट इज नॉट पैरेलल, सो इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट। And so these two options are rejected. Now we having the these two, okay. And this pair of line are coincide. Okay. It is not a coincide. When a two line are coincide, then these two pair of line are overlap each other. And this is the not a coincide. This both line are different. Okay. So it is not a coincide. So when a two line are coincide, then consistent with infinite solution we get. So it is not a coincide, and so it is option B is also rejected. So we having only just option A, but we see that these two pair of this here the given pair of the line are of the not parallel and not coincident. So it will be intersect. Okay, it will be intersecting line, and when a two line are intersect one time, then they having a unique solution. When an intersecting line having a unique solution, so consistent with a intersect unique solution. Okay, so our option A is corrected. I hope are you understand this question. Thank you, student, watching for my videos.